हाय स्टूडेंट्स, तो अब आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा टॉपिक 8 का है। अभी देख हमने 11 क्वेश्चन देख लिया था टॉपिक 8 में जो कि हमारे पास्ट ईयर में पूछे गए थे। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही रिसेंट है, यानी कि 2020 में आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली क्या है, 1 मिनट, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है हम समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि लेट एफ, एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ एफ डैश एक्स, क्या है एफ एक्स की इक्वल है। ठीक है, एफ ऐसा डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसमें एफ डैश एक्स जो है वो एफ एक्स की इक्वल है फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए। सपोज दैट बोला जा रहा है एफ अल्फा एक्स एंड एफ बीटा एक्स आर टू नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पता है कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो दो सोल्यूशन आएगा, तो ये दो सोल्यूशन आएंगे एफ अल्फा एक्स एंड एफ बीटा एक्स। ठीक है, और सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को भी, तो देन द वैल्यू ऑफ पी इज, तो हमें पी का वैल्यू निकालना है। तो देखो, नो डाउट कि क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लंबा भी लग रहा है, पर अगर आपका जो अगर आप अपना इंट्यूशन भी देखोगे ना, मतलब जैसे कि अगर सोचोगे भी कि जनरली इसका क्या होना चाहिए, मतलब कि एफ एक्स किस तरह का, तो आपको एक चीज़ बड़ा अच्छा समझ में आएगा कि जब भी इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं तो वो क्या आता है, सी वन ई का पावर लैम्डा वन एक्स अगर रियल हुआ तो। तो यहाँ से हमारा इंट्यूशन क्या बोलता है कि ये जो सोल्यूशन है वो ई एक्स ऐसा कुछ होता है। मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं इंट्यूशन बेसिस पे ही बताऊँगा कि आपको जो लगता है उसके बेसिस पे, मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्ट तरीका भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि हमें लगता है कि ई एक्स तो रोल में आना चाहिए। और देखो, आपका ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जब भी हम ये चीज़ देखते हैं कि एफ डस एक्स एफ एक्स आए, तो हमें समझ में आता है कि ई एक्स ही होना चाहिए, क्योंकि ई एक्स को हम लोग डेरीवेट करते हैं तो वही आता है। ये बहुत ही फेमस चीज़ है कि डेरीवेट करने पे वही है। तो इसका देखो बोला जा रहा है सोल्यूशन क्या है, एफ अल्फा एक्स एंड एफ बीटा एक्स, तो इस तरह सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ई का पावर अल्फा एक्स और ई का पावर बीटा एक्स। तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। ये तो एक तरीका हो गया डायरेक्टली सोचने का, फिर आप क्या कर सकते हो, वो आने के वैल्यू आने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हो यहाँ से वो वैल्यू को, और देन इक्वेशंस आप अल्फा बीटा के सॉल्यूशंस वैल्यू निकाल सकते हो। पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इस एफ डेस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपका एफ डेस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एफ डेस एक्स बाय एफ एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, वन। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ऐसे। तो देखो, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आपको पता है कि ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स। क्यों होगा ये लॉग एफ एक्स, क्योंकि इसको अगर आप डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा, वन बाय एफ एक्स और ऊपर आएगा एफ डेस एक्स डी एक्स और वन डी एक्स, यानी वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। अब देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया कि यहाँ पे जो हम लॉग लेते हैं वो नेचुरल लॉग होता है, यानी बेस ई होता है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई का पावर ये वाला, यानी कि एक्स प्लस सी, और वैल्यू क्या होगा इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। तो देखो, यहाँ से फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, e का पावर x प्लस सी को हम लिख सकते हैं e का पावर x इंटू ई का पावर सी इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, एफ एक्स हमारा e का पावर c कोई कांस्टेंट आएगा, तो मान लेते हैं k इंटू ई का पावर x आएगा, तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू आ गया k इंटू ई का पावर x। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू k इंटू ई का पावर x। अब हम देखते हैं हमें क्या बोला जा रहा है, एफ अल्फा एक्स एंड एफ बीटा एक्स आर टू नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो अगर ये दो कंडीशन हम यूज़ करें, तो यहाँ से हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एफ अल्फा एक्स कितना आएगा, सी ई का पावर अल्फा एक्स, और एफ बीटा एक्स कितना आएगा, सी इंटू ई का पावर बीटा एक्स, और एफ टू एक्स कितना आएगा, ई का पावर सी इंटू ई का पावर टू एक्स। तो सी से सी कैंसल्ड आउट। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, c टाइम्स e का पावर अल्फा प्लस बीटा, पावर ऐड होगा ऊपर में, इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स e का पावर 2x। अब अगर आप सिंपल कंपैरिजन करो तो आपको समझ में आएगा c का वैल्यू 1 है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वो चीज़ को, यानी c का वैल्यू 1 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2। अब हम नेक्स्ट कंडीशन में पुट करते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि एफ एक्स जो है हमारा वो e का पावर x ही है, क्योंकि c का वैल्यू 1 आ गया है। तो हमारा ये वाला क्या होगा, इस कंडीशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा e का पावर अल्फा एक्स इंटू यहाँ पे आएगा e का पावर माइनस बीटा एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e का पावर x।
अब फिर अगेन आप कंपेयर करो तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स इक्वल्स टू ई का पावर एक्स। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो वन है, कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ से आप बीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, कि अगर इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस वन बीटा का वैल्यू। आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस वन इज इक्वल्स टू टू। तो यहाँ से आएगा टू अल्फा इज इक्वल्स टू थ्री, तो अल्फा का वैल्यू 3/2। और अल्फा जैसे ही 3/2 आएगा तो बीटा आपका आ जाएगा 3/2 माइनस वन यानी कि हाफ, यानी कि अल्फा का वैल्यू 3/2, यानी हमारा आया अल्फा का वैल्यू 3/2 एंड बीटा का वैल्यू हाफ। तो ये हमारे दो वैल्यूज आए अल्फा और बीटा के। अब हमें क्या बोला जा रहा था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या है, ई का पावर अल्फा एक्स एंड ई का पावर बीटा एक्स। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ई का पावर यानी वाई एक्स हम बोल सकते हैं क्या होगा, सी वन इंटू ई का पावर 3/2x प्लस सी टू इंटू ई का पावर 1/2x। ये हो गया हमारा। और आपको पता है कि इस तरह का सोल्यूशन कब आता है, जब आपका जो एक्सिलरी इक्वेशन बने वो कैसा बने, एम माइनस 3/2 इंटू एम माइनस हाफ ऐसा। और यहाँ से हम देखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा 4m² माइनस pm+3। बट देखो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा गलती कर देते हैं जो कि हमें ध्यान रखना है, कि देखो ये इसके एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, ये कांस्टेंट टाइम मल्टीप्लाई भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मान लो कि यहाँ पे आता है ऐसे लेट से 5 times this, यहाँ पे सब 5 से मल्टीप्लाई होता, फिर भी उसके जो रूट्स आते हैं वो वही आते हैं। आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, जैसे कि जो आपका सोल्यूशन x² - 1 = 0 का आएगा, वही सोल्यूशन आपका 2x² - 2 = 0 का भी आएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मान लेते कि ये किसी मल्टीप्लाई हुआ होगा किसी कॉन्स्टेंट से, लेट्स यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वहाँ भी हम कर सकते थे बट हम यहाँ कर लेते हैं। तो सी टाइम्स इतना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4m² - pm+3। अब दोनों को कंपेयर करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे सिंपली हम, तो सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होगा इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हो तो उसमें भी आप बताना अगर आपको कुछ डाउट होगा इसमें। तो यहाँ से क्या होगा कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सी और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा वैल्यू आएगा m² और यहाँ पे आएगा -m/2 और -3m/2 यानी कि -2m, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3/4, और यहाँ पे वैल्यू आएगा आपका 4m² - pm+3। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा c/4 और आ जाएगा 4m² - 8m+3। अब अगर इससे कंपेयर करो 4m² - pm+3 से, तो सबसे पहले तो आपको दिखेगा कि ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं बाहर में, तो वैल्यू 1 है यानी कि c/4 1 होगा, यानी c का वैल्यू 4 आएगा। और ये 4m² के इक्वल 3, 3 के इक्वल, इसका मतलब ये वाला जो -8m है ये -pm के इक्वल आएगा, यानी कि -8 -p के इक्वल आएगा, यानी कि यहाँ से p का वैल्यू हमारा आ जाएगा 8। तो यहाँ से हमारा आ गया p का वैल्यू 8। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा यहाँ पे यही पूछा जा रहा था हमें कि पी का वैल्यू हमारा क्या होगा, तो हमारा जो पी का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8, यानी ये यहाँ पे हमारा पी का वैल्यू हो जाएगा 8। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैं करना क्या था, क्योंकि f(x) f(x) के इक्वल दिया हुआ था, यहाँ से आपने सॉल्व किया आपका f(x) आया c(e)x, फिर हमने क्या किया, दो सॉल्यूशंस दिए हुए थे α(x) β(x), उसके बेसिस पे यहाँ पे हम पुट करके अल्फा बीटा निकाला, और सीधे हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसको इक्वेट कर दिया m टाइम्स करके, मतलब c(m-α) और m-β, देन वहाँ से हमारा p का वैल्यू आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बना करके प्रैक्टिस करो, और इसको आप अच्छे से एक जगह पे नोट डाउन भी कर लो। अब हम लोग देखते हैं अपना, अब हम लोग देखेंगे अपना आगे क्वेश्चन जो कि आपको मिलेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।